गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया की तरफ से नामांकन दाखिल किए गए। वहीं उनके साथ भाजपा के पंजाब प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला, विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना और पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी नामांकन दाखिल करने के मौके मौजूद थे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल और भाजपा प्रधान मंत्री विजय सांपला ने कहा कि अकाली भाजपा गठजोड़ के उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही भाजपा उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया का कहना था कि वह लोगों के हर मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं, और वहीं इसके साथ उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी नीतियों को लेकर ये वोटर के पास जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे ये चुनाव जरूर जीतेंगे। गुरदासपुर से सुखबीर सिंह। साहब लोकल कैंडिडेट है, उन्हें अपना पिंड इत्थे है, पिछले कई सालों तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रास रूट जमीन ना जुड़े है, तो बहुत वधिया कैंडिडेट बीजेपी अकाली दल दे जॉइंट कैंडिडेट है, तो पक्का जितेंगे। पता लग जू 11 ते जाकर साहब कितने रेंदे है। 6 महीने दियां गैर जिहड़ी जिम्मेवाराना और असफल जिहड़ा उन्हां दी कारगुजारी रही है उस नूं देखदे होए और 3.5 साल दियां साडियां सफलता जिहड़ी आ उह चरम सीमा ते और पूरी दुनिया दे विच अपना उह जिहड़ी आ पहचान छड रही है। और सब तो बड़ी गल है कि लोग अज अपने आप नूं ठगिया महसूस कर रहे ने और उन्हां नाल कीते वादे एक भी पूरा नहीं कीता जा रहा, और इस करके लोग उन्हां तों जिहड़े आ उन्हां दी बेरुखी तो तंग आ के अज जिहड़ा आ भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल दे हक दे विच नित्तर रहे ने और उन्हां दीआं 10 साल दीआं पिछलियां कारगुजारियां नूं भी देख रहे ने कि नॉमीनेशन हो गए। मुद्दे बड़े क्लीयर ने। इस इलैक्शन सेंटर सरकार की हैगी है, स्टेट की नहीं हैगी, और इलैक्शन सेंटर के मुद्दों पर लड़ी जाएगी और सेंटर के मुद्दे बड़े क्लीयर ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर दे के सब का साथ सब का विकास। दूसरा, पिछले 3.5 साल विच एक भी केस किते करप्शन का नहीं मिलिया, किसी लीडरशिप ते कोई इदां दी एलीगेशन नहीं लगी कि वो किसी घोटाले विच इनवॉल्व हैगा, कोई किसी किस्म का दा साड़ी सेंटर सरकार दे नूं नहीं लग्या पिछले 3.5 सालों विच। ते असी उन्हां मुद्दियां ते लड़ांगे और मैनू पूरा यकीन है कि लोग सारे समझते हैं कि स्टेट की इलैक्शन नहीं हैगी है, सेंटर की इलैक्शन नहीं है, माननीय मोदी जी के लिए वोट डालने हैं, खुल के वोट पाएंगे, और कोई मुद्दा इदा का नहीं है जिहड़ा लोगों के चंगे वास्ते नहीं है। 169 नई नीतियां आई हैं, उन्होंने बहुत इंप्लीमेंट हो गई हैं। आए गाँव खेड़े में उन्होंने अवेयरनैस नहीं है, जो होएगा सारा फायदा सारे मिलेगा।